इस पड़ाव पर रहते हुए या नवोदय की सेवा में रहते हुए आपने अपने तजुर्बे से, अपनी काबिलियत से जो सेवाएं दी, जो यादें छोड़ी हैं, वो सबके दिलों में कायम रहेगा। आप किसी न किसी रूप में हमारे बच्चों के, हमारे स्टाफ के दिलों में आप जिंदा रहेंगे और यही जो खूबसूरती है जिनोदय में काम करने का, वही आपको हमेशा याद करेगा, याद रखेगा। तो इस मौके पर मैं अपने दिल से विद्यालय परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से और सब की ओर से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी भावी जिंदगी इसी तरह से कामयाब रहे, खुशहाल रहे, आप स्वस्थ रहें और जिंदगी की आगे की योजनाओं में ऐसी ही कामयाबियां मिले, उपलब्धियां मिले, ताकि और भी जश्न मनाते रहें। ऐसा ही हमारी दुआ है, हम सबों की दुआ है, ऐसा ही शुभकामनाएं हैं। साथ ही जब जिंदगी के सफर में हम चलते हैं तो कई अच्छे बुरे हालात पैदा हो जाते हैं, कई लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं, चाहते ना चाहते हुए उन हालातों को, उन मुलाकातों को, उन लोगों को वक्त के लिफाफे में हम एक खूबसूरत याद के रूप में कैद कर लेते हैं। और जब जिंदगी से इन जिम्मेदारियों से फारिग होते हैं तो जब हम उन वक्त के लिफाफे को खोलते हैं तो उस यादों की जो चीज अनुभव निकलता है, वो यादें जो बाहर निकलती हैं, वो हमें अचंभित कर जाता है और एक अजीब खुशी दे जाता है। आप भी जब इस जिम्मेदारियों से फारिग होंगे और कल के बाद अपने इस नौकरी के 33 पन्नों को एक एक करके उल्टेंगे तो काफी खूबसूरत कविताएं, कुछ गजलें, कुछ कहानियां और कुछ ऐसी स्मृतियां होंगी जो आपको हमेशा गुदगुदाती रहेंगी, आपको मुस्कुराने के लिए बात करती रहेंगी और आपको जिंदगी को तरोताजा रखने में मदद करेंगी। ये नवोदय बहुत ही खूबसूरत है, ये प्यारे प्यारे फूल, फूलों की तरह बच्चे हमारे मुस्कुराते हैं, थोड़ी नादानियां जरूर करते हैं, लेकिन उनके दिलों में जो तूफान है, जो अरमान है, उन्हें निकालने का पूरा वक्त उन्हें मिलना ही चाहिए। और आपने अपने हिसाब से उन्हें हमेशा इंस्पायर किया, उन्हें आपने हमेशा तवज्जो दी, आपने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया। निश्चय ही बच्चे एक दिन कुछ न कुछ करके दिखाएंगे और आपको एक बार फिर से मुस्कुराने का मौका देंगे। इसलिए अब जिंदगी के इस सफर में आज आप हमसे बिछड़ रहे हैं, कल हम बिछड़ेंगे, लेकिन गाड़ी ही चलती रहेगी, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन आ गया, आपका गंतव्य आ गया, आपका स्टेशन, आपकी यात्रा का टिकट यहीं तक था। हमारी यात्रा थोड़ी चलेगी लेकिन यात्रा यहीं चलती रहती है, मजा तो बस सफर का है, जिंदगी तो यहीं चलती रहती है। तो जिंदगी का सफर जो है, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो, चाहे कोई भी चीज हो, बस ऐसे ही कई मकाम आते रहते हैं और हर मकाम पर एक खूबसूरत यादें आती रहती हैं और हम उसे संजो कर रखते हैं और जिंदगी जीने में ये हमें काफी मदद करते हैं। आपने हमें बहुत से ढेर सारे अच्छे अच्छे अपने अनुभव से, तजुर्बे से जो सलाह दिया है, हम उस पर गौर फरमाएंगे, हम उसे देखेंगे और इस विद्यालय में हमारे बच्चों में जो पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं और जो उनके सपने हैं, उनको पूरा करने में हमारी पूरी टीम लगेगी और हम उस मकाम तक इस विद्यालय को ले जाना चाहेंगे और अपने बच्चों को उस ऊंचाई तक देखना चाहेंगे जहां जाकर इनके माता पिता भी मुस्कुराएंगे और अपने फख्र करेंगे और गर्व करेंगे। वो लम्हा, आप बच्चे, आप बताओ आएगा या नहीं? यस सर, बच्चों की ओर से, विद्यालय की ओर से प्रॉमिस है कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे ये बच्चे हमेशा ऐसे यादें देते रहेंगे। खासतौर से सोशल मीडिया के जमाने में अब हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, एक बिंदु की दूरी पर होंगे, बस फिंगर टिप की दूरी पर होंगे आप। तो हम कार्यक्रम वक्त ऐसे ही बहुत हो चुका है, हमारे बच्चे भी थक गए हैं, हम सब भी थक गए हैं। एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जिंदगी, बस उन्होंने कहा था कि इस विद्यालय में काफी संभव निश्चय ही है और उसे हम करेंगे, लेकिन एक हाँ, तो अब समय को देखते हुए अब हमें इस कार्यक्रम को विराम देना होगा और आखिर में बस इतना ही कि मुसाफिर है तुम भी, मुसाफिर है हम भी,
डॉक्टर बशीर बद्र, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोर पर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज। बीबी मैम को शॉल से ओढ़ा कर इन्हें सम्मानित करें। यही इबादत करूंगा, हे अल्लाह, हे परमपिता परमेश्वर, इनको स्वस्थ स्वास्थ्य देना, खुशी देना, और भौतिक रूप से अलग हुए हैं, इनका सानिध्य बना रहा है, तुमको भी याद करेंगे, हमको भी याद करेंगे। पूरे किसान परिवार की ओर से पुनः मैं आपको नमन करता हूं, आपके अस्तित्व के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए। धन्यवाद। Thank you very much for watching my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and enjoy our student all the activity. Thank you very much.